हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में रहे थे पिछले 6 महीने में, उनके सीरीज़ चला रहे हैं। पांचवा पार्ट है ये। पिछले जो वीडियोज़ है वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसकी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 पब्लिश हुई थी। तो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा पब्लिश होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन क्या है, पहले ये जान लेते हैं, फिर इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देख लेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज और जो एडवाइस है वो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को और माइग्रेंट्स को, साथ में रिफ्यूजी, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और माइग्रेंट वर्कर्स की भी हेल्प करता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। 2016 में ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। ठीक है, तो एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया था यूनाइटेड नेशंस का। इसके हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बाकी 4 ब्रॉड एरियाज हैं माइग्रेशन मैनेजमेंट के, जिसके ऊपर काम करता है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, फैसिलिटेटिंग माइग्रेशन, रेगुलेटिंग माइग्रेशन, एनफोर्स माइग्रेशन। 173 मेंबर्स हैं और 8 ऑब्जर्वर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया इसकी मेंबर कंट्री है। 173 मेंबर्स, 8 ऑब्जर्वर्स, इंडिया इसकी मेंबर कंट्री है। 1951 में आया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 2016 में यूनाइटेड नेशंस का रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया था और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी क्या जाते हैं कि ये एनजीओ है ना, एनजीओ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या है कि आपको याद रहना चाहिए कि हाँ यार, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए, क्या है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, क्या है, तो इसमें आपको याद रहना चाहिए कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देखो, मैं बताऊं आपको, 2019 में करीब इंटरनेशनल माइग्रेंट्स अगर की रिपोर्ट आई थी, कितने इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, तो 27 करोड़ के आसपास बताए गए थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा, करीब आधा ही मान लो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स गए हैं। इंडिया अभी भी लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का स्टेटस बना हुआ है। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेशन होते हैं। ठीक है, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको मिले हैं? इंडिया को, फिर चाइना को, फिर मैक्सिको को। जो वर्कर्स बाहर जाते हैं ना काम करने, फिर वो पैसा भेजते हैं इंडिया में, उसको रेमिटेंस कहते हैं अपन। तो इंडिया, मैक्सिको, चाइना, ये है कि लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंडिया, मैक्सिको, चाइना। और रेमिटेंस की बात करूँ तो भी अपना इंडिया टॉप पे है, और लेकिन फिर चाइना, फिर मैक्सिको। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस सेंडिंग वाली कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। फिर यूएई, फिर सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इतना याद मत रखो, केवल याद रख लो कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा रेमिटेंस सेंडिंग कंट्री है। ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट अभी बैंकॉक में हुई। ईस्ट एशिया समिट क्या है? ये आसियान का इनिशिएटिव है, जो आसियान कंट्रीज हैं आपकी, उनकी, उसका एक इनिशिएटिव है। ठीक है, बहुत बड़ा कंपोनेंट है ये। फोरम है एक तरह का जो हर साल होता है, यहाँ पे 18 कंट्री कर लो, 18 कंट्रीज़ के द्वारा होता है ये। ठीक है, और बेसिकली आसियान के जब लीडर की मीटिंग हो, आसियान लीडर्स की जब मीटिंग होती है एनुअल, तो उसके बाद ही मीटिंग होती है। पहली समिट हुई थी मलेशिया में, जो कोयलालंपुर है वहाँ पे, 2005 में। और 6 प्रायोरिटी एरियाज इसने डिसाइड कर रखे हैं अपने इसके फ्रेमवर्क के अंदर, तो आप देख सकते हैं। इंडिया इन सारी एरियाज़ में कोलेब्रेशन करता है, इन सारी प्रायोरिटी एरियाज़ में। तो पहला समिट आपको कोयलालंपुर याद रखना है, और 18 कंट्रीज़ के लीडर्स इसमें मिलते हैं, याद रखना है ना। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए कि यहाँ पे एक कंट्री नहीं है, 18 कंट्री है। बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव, पहली बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव कहाँ हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, याद रखना है आपको। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बिम्स्टेक पहली पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुई।
इसका सिग्निफिकेंस यह था कि ये ट्रेड के लिए, कोस्टल शिपिंग के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बात की गई पॉसिबिलिटी इसमें दिखाई गई थी, और वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाने की बात भी की गई थी पोर्ट्स पे। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस ये पोर्ट्स रिलेटेड थी, पोर्ट डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग से इर्द गिर्द इसका जो है कॉन्क्लेव था। बिम्स्टेक क्या है? देखो बिम्स्टेक 1997 में आया था, आपको याद रखना है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल और भूटान जुड़ गए थे। तो फाउंडिंग, ओरिजिनली फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान जुड़ गए थे। तो फाउंडिंग मेंबर्स आपको अलग से याद रखने हैं, बाद में जुड़ने वाले आपको अलग से याद रखने हैं, नाम तो सबका आपको याद रखना ही है। बिम्स्टेक में 5 कंट्री साउथ एशिया से हैं, 2 आसिया से हैं। तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक बीच जाइए, और बेसिकली मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दें तो साउथ एशिया की मेजर कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई है। मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दें तो इसमें जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूड है साउथ एशिया में, वो बिम्स्टेक का पार्ट है। तो मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपको याद रखना है कि इन तीनों को छोड़ दे। तो अब मालदीव्स के लिए पुश इंडिया काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि बिम्स्टेक में इसको इंक्लूड कर लो। बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट बे है दुनिया में, इसके अराउंड जो 7 कंट्रीज है उसमें 1/5 वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, और इकोनॉमिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, अनटैप्ड, ध्यान रखना इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनटैप्ड हैं, और वर्ल्ड का ट्रेड का 1/4 इस एरिया से ही गुजरता है, हर साल इस एरिया से ही होता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब बिम्स्टेक किस तरीके से कनेक्ट करने का काम करता है रीजन को, ये आपको याद रहना चाहिए। इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर सकता है, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसी पॉलिसी को आगे बढ़ा सकता है। और हम साउथ, आपको पता है साउथ एशिया हमारा, खास करके साउथ ईस्ट एशिया की मैं बात करूँ, और साउथ एशिया अगर मैं पूरी बात करूँ तो लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है पूरी दुनिया का, लीस्ट इंटीग्रेटेड, कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाए तो एशिया पता नहीं कहाँ से वहाँ पहुँच जाए। तो कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, ट्रस्ट होना जरूरी है, और जो कि बहुत कम है। तो नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ के लिए ये जरूरी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना, और बिम्स्टेक जो है काफ़ी बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है अपने लिए। सार्क की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है बिम्स्टेक की वजह से, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है हमारी रिजोल्यूशंस, हमारी जो बातें उनको टोक देता है, यानी कि हमको जो है प्लेटफॉर्म को जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करने नहीं देता। पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है बार बार ले आता है पाकिस्तान, तो हमने बना लिया बिम्स्टेक जिसमें पाकिस्तान को इंक्लूड किया ही नहीं। बात हो रही है ADMM प्लस मीटिंग की, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, कहाँ हुई? डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में हुई, जो आसिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं और जो 8 अदर नेशंस हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर्स गैदर हुए, डिस्कस किए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर बात की। कहाँ की? बैंकॉक में, ADMM प्लस मीटिंग। बेसिकली इसका नाम तो ADMM ही था, लेकिन जब सेकेंड ADMM सिंगापुर समिट हुई थी 2007 में तो उसको प्लस जोड़ दिया गया इसमें, ठीक है। ADMM प्लस को एक कॉन्सेप्ट पेपर इसको अडॉप्ट कर लिया गया। आसिया का ही प्लेटफॉर्म है ये, ADMM प्लस आसिया का ही प्लेटफॉर्म है, और इसके जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं ये सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन में काम करते हैं, और कई एरियाज हैं जिनमें ये कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करते हैं, मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन, मिनिस्ट्री मेडिसिन। 2013 में ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन का एरिया भी इसमें जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि एक तो इसमें आसियान के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं, 8 अदर नेशंस हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हो रही है। इंडिया ने 43 मिलियन $43 का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है क्लाइमेट रेसिलेंस के लिए, यानी कि जो 3 स्टेट
3 कोस्टल स्टेट्स में प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें हमको हमारा साथ दे रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, फंड किया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को फंड किसने किया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड पार्टनरशिप किसके साथ है? UNDP के साथ। 43 मिलियन $ का ही प्रोजेक्ट है, इंडिया ने स्टार्ट किया है। अब मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ इसकी। 6 साल ये तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये 3 कोस्टल स्टेट्स है जिनमें चल रहा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में 17 लाख लोगों के लिए क्लाइमेट रेसिलिएंट लाइवलीहुड्स बनाई जाएगी। मतलब वो अपना गुजारा चला सके, क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है उसका चैलेंज इनको कम से कम झेलना पड़े, और वल्नरेबल इकोसिस्टम जो है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे, इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे आपके मैंग्रूव्स हो गए, कहने का मतलब आपकी जो इकोसिस्टम है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करते हैं उनको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जिंदगियां भी बनी रहे और कोस्टल स्टेट्स भी बचे रहे। अच्छा, ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड आपका 2010 में आया था। UNFCCC के फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू चैनल फंडिंग फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू डेवलप कंट्रीज के माध्यम से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पैसा देंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। उस फाइनेंशियल मैकेनिज्म की मदद से ये सेटअप हुआ था 2010 में। तो UNFCCC का फाइनेंशियल मैकेनिज्म ही है। 2010 में सेटअप हुआ था GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड UNFCCC का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ये याद रखना है आपको। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए। बाकी इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसकी बात कर लेते हैं। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जितने भी जो डेवलपिंग कंट्री है और की जो डेवलपिंग कंट्री पार्टीज़ जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई है उनके प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज में सपोर्ट करता है। 2020 तक $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस इकट्ठा करना चाहता है ये। डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करवाना चाहता है। और पैसा जहाँ लग रहा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उस सही जगह उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बना रहे। अब बेसिकली फंड जो है इसमें इसको सुपरवाइज और गवर्न कौन करता है? एक बोर्ड है, उस बोर्ड में सारी जिम्मेदारी है कि फंडिंग डिसीजन वही लेते हैं सारी। अब इनको जो है गाइडेंस मिलती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा। बेसिकली फंड की जिम्मेदारी और किसके अंदर ये काम करता है, ये करता तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर है। मतलब पैसा कहाँ गया, कहाँ कहाँ लगा, ये सारी जिम्मेदारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की हैं जो मेंबर्स होते हैं इनके। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट, सुपरवाइज और गवर्न कौन करता है? बोर्ड, जो बोर्ड बनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, देखो नाटो बहुत चीज़ों की वजह से न्यूज़ में था। एक तो टर्की की वजह से न्यूज़ में था क्योंकि टर्की ने रशिया से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम। टर्की है नाटो का पार्ट। USA ने दे दी धमकी कि इस तरीके से आप काम नहीं करोगे, जब हमारा दुश्मन नाटो का एडवर्सरी रशिया है, जब हमने उसको एडवर्सरी मान रखा है और उससे ही आप जो डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हो। टर्की ने बदले में कहा कि अगर आप हम पे सेक्शन लगाओगे तो हम आपके जो बेस है मिलिट्री बेस वो बंद कर देंगे और भी जो है डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद लेंगे। नाटो का कई बार ट्रंप के द्वारा क्रिटिसिज्म भी किया गया, फंडिंग भी रोकी गई, बजट कट किया गया USA के द्वारा। तो कहीं ना कहीं नाटो न्यूज़ में था, नाटो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, नाटो क्या है? तो वो नाटो की अगर मैं बात करूं, नाटो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा। वॉशिंगटन ट्रीटी इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ये ध्यान रखना, मिलिट्री अलायंस है इंटर गवर्नमेंटल। 1949 में आया था। इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और एलाइड कमांड ऑपरेशंस के हेडक्वार्टर है मोन्स बेल्जियम में। हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम और अलाइड कमांड ऑपरेशंस के हेडक्वार्टर है तो बेल्जियम में, लेकिन मोन्स में, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी मेंबर पे अटैक होता है नाटो में तो सारे मिलके जो है उस पर, सारे म्यूचुअल डिफेंस में उस पर अटैक करेंगे जिस पे भी दुश्मन, जो भी दुश्मन ने अटैक किया है। जैसे मान लो रशिया ने कलने को अटैक कर दिया नाटो में किसी भी के ऊपर, तो नाटो के सारे मिलकर रशिया पे अटैक कर लेंगे। पॉलिटिकल मिलिट्री दोनों ऑब्जेक्टिव हैं इसके। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने की कोशिश करता है।
बाकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो यही है कि सब जो है मिलके क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस अपनाएं, कलेक्टिव डिफेंस का क्लोज इसका है। अभी जो क्लोज जो है वो आर्टिकल 5, ये याद रखना, वाशिंगटन ट्रीटी, नाटो की ट्रीटी की आर्टिकल 5 यही कहता है कि सारे मिलके जो है एक्सटर्नल पार्टी का थ्रीट दूर करेंगे, कोई भी अगर हमला करने की कोशिश करता है तो सारे मिलके जो है उस पर हमला करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।